देखो, संयुक्त आयरन मोर्चा द्वारा 2-4 फरवरी 2022 से लगातार इस अरेंजमेंट की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और 23 मार्च को लाखों की संख्या में गुड़गांव हरियाणा में लोग इकट्ठे हुए थे और सभी राजनीतिक दलों ने आके इस मांग का समर्थन भी किया था। अब हमने इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बना दिया है और जितने भी हमारे पूरे देश में यादव समाज है उन सभी समाजों को एकजुट करने का माननीय योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम प्रयास कर रहे हैं और जिस दिन हम पूरे समाज एकजुट हो जाएंगे निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनेगा और जो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की जो मांग है वो निश्चित रूप से हमें इस बार हमारा जो हक बनता है ये हमारा अधिकार, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे सरकार। हमने अपने इस देश के लिए इतनी बलिदान दिए, सबसे ज़्यादा बलिदान देने का काम यादव समाज ने किया है तो ये हमारा अधिकार बनता है। इस बार हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। मेरा नाम मनोज यादव कांकरोला है, मैं संस्थापक सदस्य हूँ संयुक्त हिरण मोर्चा का। जी तो हमारी ही होगी, हमारा ही मान और सम्मान जो बहुत पहले राजनीतिक स्थिति से हमारा गुजरा हुआ है लेकिन अब हमारी जीत होगी। यादव रेजिमेंट एक दिन सफल होगा क्योंकि योगेंद्र यादव जी आज का मान संभाल चुके हैं और अब हीरों की संख्या बढ़ गई है और सब में एक जुटता है और हम जीतेंगे जरूर। देखिए, ऐसा है कि जैसे कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि सर्वप्रथम अगर इस पूरे ब्रह्मांड विश्व में अगर किसी की सेना रही है तो वो नारायणी सेना रही है। तो हम लोग तो उस यादव कुल के लोग हैं और आज कैप्टन योगेंद्र यादव साहब के यहाँ छत्तीसगढ़ आगमन पे हम समस्त यादवों में एक नई ऊर्जा, एक नए जोश का संचार हुआ है और हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी यादव उनके इस अहिर रेजिमेंट के मुहिम में, हक की लड़ाई में हम अपना सब तन मन धन सब कुछ समर्पित करेंगे। आज जो एकता का परिचय दिया जा रहा है, जो भारत को यादों के एक होने का जब परिचय, संयुक्त अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है, छत्तीसगढ़ में गौरव की बात है कि पहली बार देश के रक्षक, जो भारत के भूमि के रक्षक हैं, वो अपने देश हित के लिए अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए छत्तीसगढ़ में आए और अखिल भारत और युवा यादव महासभा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी यादव एक मंच में दिखे, बटे हुए ने एक मंच पे और इतिहास बदलने के लिए, इतिहास को मांग पूरी करने के लिए हम सब एक होके और छत्तीसगढ़ को नाम भी रोशन होगा, भारत में ही रेजिमेंट की मांग बहुत जल्द पूरी होने वाली है और सभी यादव समाज इनके साथ कंधे से कंधे मिला के साथ खड़े हैं। मिथिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष युवा यादव महासभा छत्तीसगढ़।